मैं हंसराज राय हूँ, ओरिजिनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑफ हर दार्जिलिंग, और ये हमारे असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर दार्जिलिंग। ठीक है, ये जो मीटिंग थी इसकी सूचना हमें चार दिन पहले थर्सडे को मिली थी, राइट? थर्सडे को मिली थी, और कुछ डिटेल ब्रीफ नहीं था कि वो किस बारे में डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, बट एज यूजुअल वी वर थॉरली प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ आवर असिस्टेंट कमिश्नर विश्वामित्र सर। तो ऐसा हमने अपने वर्किंग कल्चर में या अपने एक्शन में इतनी मुस्तैदी से सारे मुद्दों पर काम कर रखा था कि देर आर नो स्कोप फॉर देम टू ब्लेम ऑन अस रिगार्डिंग एनीथिंग। बट एनी हाउ, कमिंग टू द स्पेस, मतलब स्पेसिफिक, हाँ भाई, स्पेसिफिक मुद्दों पर, नो, अगर एक एक करके मुद्दों पर बात करें तो हमें इन्होंने एक, आप देख सकते हैं, इन्होंने एक मेमो पकड़ाया, मेमोरेंडम पकड़ाया, और इसमें इन्होंने पांच मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा था कि बहुत सारे सालों से हमारे यहाँ पीएफ में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनका पीएफ जमा नहीं हुआ है, दैट इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा था कि कम पीएफ जमा हुआ है, ये पॉइंट नंबर टू था। नहीं सर, वो पॉइंट नंबर टू था सर कि इम्प्लॉई का शेयर काटा जा रहा है, वो जमा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बताइए सर तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो था कि उन लोगों का क्या करना है जो कि 58 साल के बाद भी गार्डन में काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट उनको पीएफ नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट उनका पीएफ डिडक्ट कर रहा है। और चौथा मुद्दा जो था कि उनका कहना था कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लेम्स और ऑफलाइन प्रोसीजर्स आप लोग पूरी तरह से स्टॉप ना करें, क्योंकि सब पूरी तरह से ऑनलाइन पे जाना अभी संभव नहीं है। डिवेस्टेटिंग वर्ड है। हाँ, और तीसरा था कि मैंडेटरी आधार सीडिंग जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप वैसा नहीं है। तो सबका हमने पहला जो दो पॉइंट था कि पैसा जमा नहीं हो रहा है पीएफ का टाइम पे, उसके लिए हमने उन्हें दिखाया कि सो कॉज नोटिस इशू किया गया है, असेसमेंट की इंक्वायरी की जा रही है सब सारे गार्डन्स के अगेंस्ट में। पहले भी जो लोग इम्प्लॉय का शेयर डिडक्ट करके जमा नहीं किए उनके विरुद्ध पुलिस थाना में एफआईआर किया गया था, फिर से किया जाएगा। और हमने इनकम टैक्स को लेटर लिख रखा है कि आप हमें उन सब गार्डन्स के बैंक अकाउंट डिटेल्स दें ताकि हम पैसा रिकवर कर पाए। और तीसरा जो था कि वैसे वर्कर्स का जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उनके केस में हमने कहा कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर मैनेजमेंट पीएफ देना चाहे तो सारा पैसा जो है बोथ शेयर, इम्प्लॉय शेयर, इम्प्लॉयर शेयर दोनों जो है पीएफ अकाउंट में ही जाएगा, वो जब चाहे रिटायर हो तो काम छोड़ने के बाद उसको क्लेम कर सकता है। और जहां तक ऑफलाइन क्लेम और मैंडेटरी आधार सीडिंग की बात थी, हमने उनको इंश्योर किया है कि और अभी भी ऑफिस में, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन अलग है, मोस्टली चाय बगान के वर्कर हैं, तो रिटायरमेंट क्लेम किसी का भी बिना आधार सीडिंग होने पर या ऑफलाइन के केस में रोका नहीं जा रहा है। हम लोग केवाईसी इंसिस्ट कर रहे हैं एडवांस जो क्लेम के लिए किया जाता है उसके लिए, और उसमें भी एक्सेप्शनल केस में अगर कोई एक एप्लीकेशन लिख कर दे कि हमें ये जरूरत है और हमें हमारे लिए पैसे को निकालने की अत्यंत आवश्यकता है, तो उसका हम वो भी हम लोग ले रहे हैं। और हमारे अपने रिकॉर्ड में आधार के बेसिस पे करेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेकर के हम एक मैनेजमेंट और इम्प्लॉय दोनों मिलकर दे कि गलत डिटेल ये है, सही डिटेल ये है, उसमें आधार कार्ड की कॉपी पर इम्प्लॉय भी साइन करे और इम्प्लॉयर भी अटेस्ट कर दे, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिटेल करेक्ट कर रहे हैं। इम्प्लॉय, नॉट इम्प्लॉयर, इम्प्लॉयज से अगर आप ये चैनल में डालना चाहते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो नाम चेंज और डेट ऑफ बर्थ चेंज का मामला बहुत रुका हुआ था, उसको तेज रफ्तार देने के लिए हमने अपने प्रोविजंस को माइल्ड किया है और सिर्फ दूसरी क्लास या उससे ऊपर पढ़ने वाले लोगों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर मिलता है, हम उसके आधार पर मेंबर डेटा चेंज करेंगे। तो ये मैं पहचाना चाहता हूँ इम्प्लॉई तक ये बातें कि वो अपने मैनेजमेंट को बताएं कि वो सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट लेके और आपको वो दे दें, है ना? तो वो
उससे जागरूक होना चाहिए उनको कि इससे उनका काम बनता है। दूसरा है कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, है ना, कि जिनका बन ही नहीं सकता है, उनके बारे में मैंने यूनियन के लोगों को फोरम को अभी बताया था कि ऐसे केस में वो आधार के ऑफिस, UIDAI ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं नेम चेंज का और अन्य डेटाबेस चेंज करने का, तो उससे हो सकता है। कहने का मतलब कि हमने रोड ब्लॉक नहीं लगाया है, इट इज ओपन टू देम। तीसरा मामला था नेम चेंज का जो आपके यूनियन के लोगों ने उठाया था, जो कि वैसे नेम चेंज जिनकी पति डिफेंस में काम कर रहे थे, तो उस बारे में मैंने बताया कि अगर वो डिफेंस से एक सर्टिफिकेट लेके आ जाएं, आधार कार्ड के साथ हमें जमा कर दें, तो हम उनका नाम और डेटा चेंज कर देंगे। ये मैं आपके थ्रू इम्प्लॉई को पहुंचाना चाहता हूं ये मैसेज, कि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो बाद में, कोई कुछ कि पीएफ वालों ने ये बोला वो बोला, नहीं, आई वांट टू टॉक टू देम डायरेक्टली, उनसे सीधा बात करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि वो आराम से डिफेंस का सर्टिफिकेट लेके आ जाएं या फिर स्कूल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उनका नेम चेंज और डेट ऑफ बर्थ चेंज का मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और है, मुझे थोड़ा पर्सनल, ठीक है, जो स्कूल नहीं गए हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ की समस्या है, तो हमने उनसे एक और चीज कहा कि वो लोग पंचायत को या बीडीओ ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अभी जैसे एक साल लग जाता है बर्थ सर्टिफिकेट बनने में, कि अगर सब लोग जाकर के अनुरोध करें कि बर्थ सर्टिफिकेट जल्दी बन जाए तो लोगों का डेटा करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग KYC इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि आगे चल के PF में किसी के पैसे का फ्रॉड नहीं हो, उसके थ्रू वो लोग ऑनलाइन क्लेम डाल सकते हैं जिसके लिए ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, और जो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम लोग ऐसा भी नहीं है कि रोक रहे हैं कि ऑनलाइन ही करना है, बिना KYC के भी ऑफलाइन क्लेम भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं।